वजह से तो नींबू पानी मांग रहा हूँ। तेरी मम्मी इतना सड़ा सा खाना बनाती है ना। बात है, तुम्हारी खातिरदारी करते हैं यार, वो गोबर अंडे उपले खिलाएंगी तुम्हें। अपनी मम्मी की काय को बुराई बड़ाई सुनेगी। अब ये मेरा डिनर है, ये मेरा लंच। दोस्तों कैमरा मैंने आके लगा दिया है, अब देखते हैं प्रैंक का मजा। अब वीडियो में बने रहना, वीडियो को फुल वॉच करना, जरूर मजा आएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? चलिए। 1 minute later पानी क्यों फिरे हो यार, नींबू लाई तो हूँ, नींबू पानी लो, बैठ के पी लो ना यार। नींबू पानी मंगाया होगा तो किसी जरूरत की वजह से ही तो मंगाया होगा, घर में नींबू खत्म हो गए क्या? नहीं तो क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रहे हो? आधा नींबू डाल के लाई है। तो हमेशा आधे ही तो डालती है तुम्हारे नींबू पानी में, ज्यादा भी नहीं तो बता दो, ज्यादा डाल लाऊंगी। रहन दे यार, गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? इतनी खिदमत करवा के आए हो वहां से? कहां से खिदमत करवा के डाल गए थे? अबे यार, आधे ही तुम नींबू पानी के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, क्या हो गया है? उसी वजह से तो नींबू पानी मांग रहा हूँ। तेरी मम्मी इतना सड़ा सा खाना बनाती है ना, दिमाग खराब हो जाता है। दे पूड़ी, दे पूड़ी, दे पूड़ी। अरे कहना क्या चाहते हो? आदमी इतनी गर्मी में चिकना ही खाता का, इतना ऑयली खाना, मतलब आदमी इतना ऑयल भी खाए, फिर आदमी का माथे पे से ऑयल निकले, पसीना पसीना। तो मना कर दी थी ना कि नहीं खाना मुझे पूड़ी गर्मी में? मना करो, कितना मना करो। अरे नहीं दामाद जी, एक पूड़ी और खा लो, एक पूड़ी और खा लो। सही बात है, तुम्हारी खातिरदारी करते हैं यार तुम भी, और क्या, वो गोबर अंडे उपले खिलाएंगी तुम्हें? गोबर के कंडे होते हैं वो खिलाए, दिमाग खराब। तुम अच्छी हो यार, तुम तो अपने घर वालों की तरफ इतना पछती हो, उल्टा ऊपर गुस्सा करने लग रही हो। उनकी कोई गलती नहीं है, वो तुम्हारी खातिरदारी कर रहे थे, ठीक है? अब तुम पसंद नहीं थे तुम बोल देते, मम्मी पूरी नहीं खा रही मुझे, रोटी बना दो, रोटी बना देती हूँ। यार तुम ना अपने घर वालों की साइड मत लिया करो, ठीक है? एक चीज बताओ, आदमी चावल खाए ठीक है सब्जी में, तो आदमी के हाथ तेल से लाल लाल ऐसे, आदमी खूनी बन जाए। मैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं तो कभी नहीं देखा इतना तेल भिंडी में, भिंडी में। हटे मेरी बात, ऐसा है ना तुम्हारा मूड किसी और वजह से खराब है, तुम किसी आ रहे हो मेरे घर के ऊपर? 56 वो खिला के आदमी का सीना तो 56 इंच का हुआ, नहीं पेट 56 इंच का हो जाए, पेट 56 इंच का हो जाए, ऐसा खाना बेकार। तो गलती खाने वाले की है ना, हमारे मुंह में जबरदस्ती तो घुसेड़ नहीं दिया था। हाँ जबरदस्ती, जब मैं मना कर रहा हूँ मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, तो क्या जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में घुसेड़ दिया था? आदमी कितना मना करे। हटे यार, तुम तो दिमाग खराब करते हो, जरा जरा से बात मतलब ससुराल जाओ, खातिरदारी ना हो तो प्रॉब्लम, हो तो प्रॉब्लम, पता नहीं चाहिए क्या यार तुम लोगों को? किसने कही है, किसने कही है कि इतनी खातिरदारी कर दो, पूरी टेबल सजा के रख दो, कहीं ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, हर चीज में तेल तेल तेल, इतना सड़ा सा खाना पेट और खराब हो जाता है। नींबू पानी मंगाया बेटी पे, नींबू पानी नहीं ला के दिया गया। तो गुजरे लाती हूँ, दो चार नींबू पी लेना उसमें, पर किसी आओ मत, गुस्सा मत करो प्लीज, बैठ जाओ। क्या करूँ, गुस्सा नहीं करूँ तो तुझसे प्यार करूँ? मस्त प्लान है, उन पर तो गुस्सा नहीं कर सकता, तुझ पे तो कर सकता हूँ ना। नवीन तो बिल्कुल खिसकेले दिमाग के हो, बिल्कुल खिसकेले, तुम्हारे दिमाग का पता है किस बात पे गुस्सा कर रहे हो फालतू में? ओबे तेरे को समझ में नहीं आया किस बात पे गुस्सा करना? अरे समझ में आ रहा है, पर ये कोई टॉपिक है फालतू में तुम गुस्सा करने का कि खाने में तेल? अरे यार सब्जी कुछ ऐसी नहीं, तो एक चीज बताओ, पूड़ी के अलावा कोई चीज समझ में नहीं आती है, गर्मी में कौन खाता है पूड़ी? पूड़ी पूड़ी पूड़ी। सुनो मैं मम्मी से मना कर दूंगी, तुम्हारे लिए ऑयली खाना बिल्कुल भी नहीं बनाएंगी अगली बार से, ठीक है? पागल, गुस्सा कर रहे हो फालतू में यार, तुम ही मना कर देते ना, बोल देते रायते में ऊपर से छौंका लगाया तो छौके का जो तेल है वो यूं करके तैरा रहा है, यूं करके। इतना तेल, इतना ऑयली, जीरा के संग। मैंने तो मम्मी का खाना भैया बचपन से खाया, मैंने तो देखा नहीं कभी कि इतना तेल। तुम क्यों अपनी मम्मी की बुराई करोगी? मेरे पापा नहीं पसंद करते इतना ऑयली, तो मेरी मम्मी नहीं बनाती है, कभी कभार मेहमान आते तब बना देती, पर इतना नहीं बनाते तैरे उसमें। और पूड़ी, पूड़ी क्या पानी में सिक जाती है? पूरी तेल में ही तलती है तो उनमें तेल तो होगा ही ना। तो यही तो कह रहा हूँ, कौन खिलाता है गर्मी में पूड़ी 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 दे पूड़ी? कितनी पूड़ी खा के आए हो? मैं तो सिर्फ 5 बेकार
भी आ रही है, वाह बंदे को डकार आ रही है खा करके। मेरे तो लग गए खूब खा के डकार मार लिए और अब आके पूरी खिला दी, ये खिला दी, वो खिला दी, ये खिला दी। तुम पेट भर खा के आए हो तभी तो डकार आ रही होगी। मैं 5-6 पूरी खाना चाहता था, 5-6 पूरी खाना चाहता था, ठीक है। 5-6 पूरी खा ली, भिंडी से खा ली, रायते से खा ली, नहीं फिर उसके बाद चावल ले लीजिए राजमा के साथ, चलो राजमा चावल भी खा लीजिए, फिर दही के संग पूरी। अब बताओ दही ला के रख दिया, उसमें बूरा डाल दिया, 2 चम्मच देसी घी डाल दिया, अब बताओ नहीं 4 पूरी और खानी पड़ेंगी। आदमी वैसे ही इतना मोटा हुआ जा रहा है, मेरे को एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, ऊपर से ससुराल वाले और खाना दे दे के मोटा किया जा रहे हैं। तेरे को भी दुख है, इसको भी दुख है। अब तो तुम्हारे लिए डाइट फूड बना करेगा ससुराल में, ठीक है। फिर मत कहना कि मेरी कोई खातिरदारी। मैंने कभी नहीं कही है कि खातिरदारी नहीं करते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा उस चीज के लिए बोल देता हूँ कि हाँ मेरे लिए चिकन बना दिया करे। बहुत तेज हो रहे हो हैं, वो तो मैं तुम्हारी मम्मी बनाती नहीं है ना, छूती भी है ना, मुझे तो चिकन से डर लगता है। डर नहीं लगता, उन्हें पसंद है नहीं, ठीक है। ओवर एक्टिंग मत करो, मम्मी का मजाक मत करना, अभी फोन करके उनको बता दूंगी कि ज्यादा तो बता दो, उसमें कोई गलत बात है क्या? मैं उनसे सामने मजाक कर देता हूँ। गर्मी लग गई, तुम कपड़े चेंज कर लो या ठंडे होकर बैठे कूल डाउन होकर, ठीक है। कपड़े चेंज करके बैठो यार। यार तुम भी तो अपना मुंह बंद कर लिया करो, आदमी गुस्सा किया करे, एक आदमी गुस्सा करे तो दूसरे आदमी को तो बंद हो जाना चाहिए। एक आदमी गुस्सा करे तो दूसरे को कम गुस्सा करना चाहिए, नहीं तुम जरूर बैठी रहती हो, तुम्हारी तो नाक पमक की बैठी रहती है गुस्से की। मुंह बंद बड़ी तुम्हारी चैन बंद हो जाती है, ऐसे अगर भारतीय नारियों की चैन बंद हो जाए ना तो आधी लड़ाई आपके दिमाग खराब कर दिया, खुद तक आई है पूरी खाना चाहिए, हमें तो खाने बनाता है। हमें तो चिकनाई वाला खाना खिलवा दिया, खुद अपने लिए बड़ा स्पेशल वेजिटेबल वाला खाना बनाएंगी, सादा सिंपल दाल बना रही होगी जी। हाँ अपने लिए टेस्टी वाली दाल बनाएंगी तो तुम खा लेना, रोटी खाएंगी, हमें पेट में पूरी घुसड़वा दी। और तो तुम्हारे क्या करूंगा, मरे हो क्या करूंगा, मैं मर जाऊं। यार मैं हर बार घर जाता हूँ मैं खाने से, मेरा पेट खराब हो जाता है यार, तू यार ये क्यों नहीं समझ रही है, उल्टा अपने घर वालों के लिए गुस्सा लेके बैठ जाती है। हवा ले लो, ठीक है। और ये पैंट उतार लो ना, टाइट हो रहा होगा, इतना सारा खा के आए ऊपर से टाइट पैंट पहन के बैठे हो। तेरे को ये नहीं समझ में आता है कि ऐसा खाना आदमी कोई खाएगा तो आदमी की मतलब क्या, आदमी को ऊपर ही नहीं चले जाए यार। ज्यादा नहीं हो रहा है, ऊपर ही चले जाए मतलब मैंने तो कभी खाया नहीं जिंदगी में खाना, अपनी मम्मी के हाथ का इतनी ज्यादा बुराई कर रहे हो, इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुनिए, पटर 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 पता नहीं क्या बोले, पर अभी फोन मिला रही बात कर रहा तेरा, बोलो ना सामने, करा करा खराब खाना बना रही हो ना, करा बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी मम्मी, ठीक है ना। शुरुआत से ऐसी नहीं हट्टी कट्टी ऐसी दिखाई देती है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ भैया, का खाना खाया भैया, वही तो कह रहा हूँ, तेल में नला दो बच्चों को, दामाद को तेल में नला दो। मुझ पे दिख रहा है तेल का असर, क्यों दिख नहीं रहा है, देखो देखो कितनी ऑयली स्किन हो रही है, देखो ये कितने ऑयली, तो अभी तो तुम्हारे घर का तेल खाया है, है ये फैट है, तो तुम्हारे सामने क्या सूखी हड्डी बन के रहूं, बन जाओ साउथ की एक्ट्रेस बन जाओ, ये टायर लेकर टायर मेरे बिल्कुल भी टायर नहीं है, ठीक है वो तो यार
पहन रखी है मैंने टी शर्ट, देखो मेरे बिल्कुल भी टायर नहीं है, ज्यादा मतलब स्टाइल मारा करो, बिल्कुल भी नहीं है मेरे टायर, अपने देख लो ये ट्रैक्टर वाले ये टायर लगे हैं। तो तेरे बेइज्जती अपनी करा ली ना, ट्रैक्टर नहीं ट्रक वाले बड़े बड़े वाले ये दिख रहे मेरे टायर, तेरे स्कूटी के टायर है, स्कूटी के टायर अच्छे रहते हैं। मैं सच में फोन कर दूंगा, मेरा बहुत मूड खराब कर रहे तुम आकर के, मूड खराब हो गया तेरे इतनी देर में, बहुत ज्यादा अपनी मम्मी की बुराई नहीं सुन सकती। अरे पापा की कोई कर रहा हूँ, पापा कितना अच्छा अच्छा चिकन बनाते हैं, आदमी उंगलियां चाटते रह जाता है और बिल्कुल भी उसमें ऑयल नहीं रहता है। ऐसा कोई चिकन बनता होगा जहाँ पे ऑयल नहीं रहता, मतलब ऑयल हो पर दिखे ना। अब मालूम है ऐसा लगता है, ओ सुन ओ पूड़ी खाओ ना तो हाथों में इतना तेल लग जाता है, आदमी इतना कि सर्दियों में आदमी यों करके अपने वो लगा ले हाथ पैरों में तेल। मैंने कभी नहीं लगाया अपनी लाइफ में, जब तक मम्मी पापा के अंडर में नहीं हूँ मैंने कभी नहीं खाया इतना तेल की ऐसे से लगाना पड़े, वो मैं से अच्छी बनाती हूँ, और मैं भी अभी भी घर जाती हूँ मैं भी खाती हूँ, कभी नहीं बनता इतना तेल, पता नहीं तुम्हारी कुछ एक्स्ट्रा ही खातरदारी हो गई है लग रहा है आज, है ना, पता नहीं। चल अब मेरा दिमाग मत खराब कर, बहुत देर हो गई, गर्मी मेरे सिर से ऊपर जा रही है बिल्कुल, ये शर्ट रखी है मेरी, इसमें भी दिख रहा है तेल पूरी का, कम से कम खाते तो कायदे से तो खाते हाँ है, वैसे ही पानी है सर, इसको भी तो उतार लो, जींस उतार दूं कैमरे के सामने, प्रैंक कर रहा हूं मैं, आयो रे मां। मम्मी की इतनी सारी बुराई करी तुमने अपने सड़े से प्रैंक लिया, क्यों रे मोटा मोटा पूरे पापा को तो मोटा हो गया, ये कौन सी बात है ये, तो मैं क्या बच्चा हूँ क्या, तो मानने आ रही थी इससे बढ़िया मैंने बिठा लिया, ले अब ये मेरा डिनर है, ये मेरा लंच, नवीन अब खाया जाएगा लंच, हाथ पीछे कर ले, ओह कितनी चर्बी हो गई है, खूब पार्टी मार रही है, 100 केक की चर्बी कर ली है, चर्बी चर्बी चर्बी, तू कैसे उठाओ तो सही, दो दो केक खा गई मोटी, तो मैंने दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, चल पने आओ सब्सक्राइब कर लेना, चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट प्रैंक में, बाय बाय। मेरी मम्मी की बुराई की ना प्रैंक के लिए, नहीं बुराई नहीं, देखो दोस्तों खाना खा के आया हूँ, बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऑयल वगैरह हो, और पूड़ियाँ भी मेरे अच्छा पूड़ी भी खाई थी मैंने, रोटी भी खाई थी, और प्रैंक के लिए बोला ये सब बकवास है, बाकायदा सलाद की प्लेट भी दी थी मैंने, सलाद ज़्यादा मोस्टली खाया मैंने, पर खाना वास्तव में इतना टेस्टी बनाती हैं कि मतलब मैं सलाद खा लेता वैसे अक्सर घर पर ही रंजा खाना बनाती तो मोस्टली सलाद खाने की कोशिश करता हूँ फैट कम करने के लिए, पर खाना इतना टेस्टी बनाया था मैं पूड़ी खुद ज्यादा खा गया मैं, तुम यहाँ पे डकार ले रहे थे ना तभी मुझे लग रहा था, जब आदमी पेट भर खाना खाएगा ना तभी डकार आती है, ठीक है ना, चलिए देर नहीं करते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैंक में, बाय बाय। अब सुन वाले ना पानी में पूड़ी तल के खिलाऊंगी तुम्हें, ठीक है, पानी में पूड़ी और क्या, ओए सैटरडे रखी उससे कमा रहे।